हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बीटी रिजल्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूपी बीटी का जो रिजल्ट है वह कब आएगा, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर का। तो इसी पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट का यह क्वेश्चन आ रहा था कि सर बताइएगा कि यूपी बीटी का रिजल्ट कब आएगा, कितने तारीख को हम देखेंगे, और अभी तो अगस्त स्टार्ट हो गया है। तो काफ़ी स्टूडेंट परेशान हो रहे थे रिजल्ट देखने के लिए, तो इसीलिए फ्रेंड्स हमने यह वीडियो बनाया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमें एक और नोटिफिकेशन यूपी बीटी की तरफ से आई है जिसको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि यूपी बीटी का रिजल्ट कब आएगा। तो फ्रेंड देखिए, यूपी बीटी का रिजल्ट के बारे में जो पहले नोटिफिकेशन आई थी वह यह आई थी कि यह अगस्त महीने के पहले सप्ताह में इसका रिजल्ट रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, फिर बाद में यह नोटिफिकेशन आई कि यह पहले सप्ताह में रिलीज ना हो करके इसका जो रिजल्ट है वह दूसरे सप्ताह में रिलीज किया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, अभी तक जो है कि दूसरे सप्ताह का लगभग आधा दिन निकल चुका है, मतलब 7 दिन में लगभग 3 दिन, 3 से 4 दिन निकल चुके हैं और इसका जो रिजल्ट है अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। तो फ्रेंड, चलिए अब बात करते हैं कि कब इसका रिजल्ट रिलीज होगा। तो फ्रेंड्स, इसके रिजल्ट को लेकर जो नोटिफिकेशन मिल रही है वह यह मिल रही है कि इसका रिजल्ट जो है यह 10 तारीख के पहले रिलीज कर दिया जाएगा। मैंने बहुत सारी वेबसाइटों पर चेक किया और लगभग सभी वेबसाइटों पर लगभग यही बता रहे हैं कि इसका रिजल्ट जो है वह सेकेंड वीक में कोई बता रहा है तो कोई बता रहा है 10 तारीख के पहले रिलीज कर दिया जाएगा। तो फिलहाल फ्रेंड, मैंने यह जो वेबसाइट ओपन की है इस पर मैंने कमेंट बॉक्स जब पढ़ा तो इसमें लिखा था, बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर कब आएगा रिजल्ट। तो एक लोगों ने कमेंट किया है कि रिजल्ट आने वाला है और 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और कल यानी कि 8 तारीख 8वां महीना 2019 को इसका रिजल्ट रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, यह ट्रू है कि नहीं अब कल देखते हैं। और नीचे मैंने स्क्रॉल किया तो यहाँ पे एक लोगों ने और कमेंट किया था और उन्होंने लिखा था कि जो है कि इसका रिजल्ट जो है 11 अगस्त को आ रहा है। और एक लोग और कमेंट किए थे, उन्होंने कहा था कि इसका रिजल्ट जो है 9 अगस्त को लगभग 11 बजे के आसपास आ रहा है। तो फ्रेंड देखिए, कौन किसकी बात सही होती है। लेकिन जो ज़्यादातर नोटिफिकेशन जो मिल रही है वह 10 तारीख के पहले ही इसका रिजल्ट जो है रिलीज कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यूपी बीटी के बारे में जो सेकंड अपडेट आ रही है वह यह है कि अगर आप 4 विषयों में फेल हैं फिर भी आपको अगले क्लास में एडमिशन मिल जाएगा। तो वह यह अपडेट है, इसको पढ़ लेते हैं। तो जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि पॉलीटेक्निक की पढ़ाई कर रहे छात्र यदि 9 में से 4 विषयों में फेल भी हो जाएंगे तो उन्हें अगली कक्षा में प्रवेश दे दिया जाएगा। सुनने में यह भले ही अटपटा लगे लेकिन यह सच है कि फेल हुए छात्र विषयों में छात्रों को बैक पेपर देना होगा और फिर 4 में से कम 1 में पास होना होगा। हालांकि अंतिम वर्ष के छात्रों को सभी विषयों में पास होने पर ही डिप्लोमा दिया जाएगा। प्रावधिक शिक्षा पद्धति द्वारा डिप्लोमा के छात्रों को राहत देने के लिए 3 के बजाय 4 विषयों में फेल होने को भी बैक पेपर की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। यानी कि फ्रेंड्स, अगर आप जो है 4 विषयों में फेल होते हैं तो आपको अगले क्लास में प्रवेश दिया जाएगा लेकिन आपको 1 बैक पेपर देना होगा और जब उस बैक पेपर में कम से कम आपको 1 पेपर में पास होना होगा और जो लास्ट सेमेस्टर होना होगा उसमें आपको सभी विषयों में पास होंगे। जब होंगे आप सभी विषयों में पास तभी आपको डिप्लोमा डिग्री मिलेगी। तो फ्रेंड्स, यह थी इसकी सेकंड अपडेट। तो फिलहाल फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो फ्रेंड, चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।